कमजोर वर्ग होगा वहां प्रदेश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए तो मध्य प्रदेश में मोहन सरकार लगातार कमजोर वर्ग को ऊपर उठाने का काम कर रही है ताकि वे खुद सक्षम बने और तरक्की पर हाथ बटाए। इसलिए तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्कीम के जरिए लोगों को सहायता दी जा रही है। प्रदेश में स्कीम के जरिए 55,60,000 से अधिक हितग्राहियों को लाभ पहुंचाया गया है। पिछले एक साल में 4,000 करोड़ से अधिक पेंशन राशि ट्रांसफर की गई है। ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब आपको बताते हैं ये स्कीम आखिर है क्या। स्कीम के जरिए बेसहारा बुजुर्गों को सोशल सिक्योरिटी दी जाती है। ऐसे बुजुर्ग इनकी उम्र 60 साल या उससे अधिक हो उनको ये सहायता दी जाती है। मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्कीम के जरिए हैंडीकैप्ड विंडो डाइवोर्स वुमेन और गरीब लोगों को स्कीम का लाभ दिया जाता है। तो सोचिए मत, जल्दी ही आप इस योजना का लाभ लें।